जोधपुर के सूरसागर से भाजपा विधायक सूर्यकांता व्यास ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की। विधायक ने सीएम की तुलना राजा महाराजाओं से करते हुए कह डाला कि अशोक गहलोत ने समाज पर बड़ा उपकार किया है। सीएम ने जोधपुर शहर के चांदपुर क्षेत्र में पुष्करणा समाज की कुलदेवी ऊष्ट्र वाहिनी देवी मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए गहलोत ने 2 दिन पहले ही 4,75,00,000 रुपए की स्वीकृति दी है और इसके लिए विधायक ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था। विधायक लगातार बजट स्वीकृति के लिए प्रयास कर रही थी, ऐसे में समाज को लोग विधायक का आभार जताने और अभिनंदन करने बुधवार को उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा के सीनियर नेता व्यास ने सीएम गहलोत की खुलकर तारीफ की। विधायक ने कहा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्करणा समाज के लिए ऐसा काम किया है जो पहले के जमाने में राजा महाराजा किया करते थे। अब मुख्यमंत्री ने किया है, 4,75,00,000 रुपए का बजट दिया है। कुलदेवी की यह मूर्ति काफी ऐतिहासिक है जिसको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। कई बार टूरिस्ट कहते भी हैं कि जगह छोटी है, परेशानी होती है। आज बस सपना सीएम गहलोत ने साकार कर दिया। विधायक सूर्यकांता व्यास ने पिछले महीने ही सीएम से जयपुर स्थित आवास पर मुलाकात की थी। सीएम के पैर में चोट लगने के बाद विधायक उनके कुशलक्षेम पूछने गई थी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान ही विधायक व्यास ने कुलदेवी मंदिर के लिए बजट मांगा और मुख्यमंत्री ने बजट स्वीकृति का इरादा कर लिया था। मुख्यमंत्री गहलोत और विधायक सूर्यकांता व्यास पहले भी एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं। सीएम कई बार मंच से कहते रहे हैं कि सूर्यकांता व्यास ने उनके आत्मीय रिश्ते मुख्यमंत्री बनने से पहले के हैं। कई मौकों पर विधायक ने भी सीएम गहलोत की खुलकर तारीफ की। सूर्यकांता व्यास 85 साल की उम्र में राजनीति में सक्रिय हैं। वे 1990 से लेकर अब तक लगातार 7 बार विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं। इसमें से 6 बार उन्होंने जीत दर्ज की है। साल 2008 के बाद से वे सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक हैं। व्यास को वसुंधरा राजे गुट का नेता माना जाता है। पुष्करणा समाज के आराध्य कुलदेवी ऊष्ट्र वाहिनी मंदिर के लिए बजट स्वीकृत कर सीएम गहलोत ने पॉलिटिकल कार्ड भी खेला है। सूरसागर विधानसभा सीट अनारक्षित है, यहां पुष्करणा समाज के विधायक लगातार जीतती रही हैं। हालांकि कांग्रेस यहां पुष्करणा ब्राह्मण समाज से किसी को भी टिकट नहीं दे पाई।